साबित हो। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, आपको बता दें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली रवाना हो चुके हैं। केंद्रीय नेतृत्व से टिकट को लेकर चर्चा करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश लोकसभा के बचे हुए प्रत्याशियों पर आज मोहर लग सकती है, इस वक्त की बड़ी खबर है भोपाल से, आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। मध्य प्रदेश लोकसभा के बचे हुए प्रत्याशियों पर मोहर लग सकती है, वहीं केंद्रीय नेतृत्व से टिकट को लेकर चर्चा करने वाले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि अब दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। बता दें मध्य प्रदेश लोकसभा के बचे हुए प्रत्याशियों पर आज मोहर लग सकती है, जिसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब दिल्ली रवाना हो चुके हैं। वहीं केंद्रीय नेतृत्व से टिकट को लेकर चर्चा करेंगे शिवराज सिंह चौहान। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। केंद्रीय नेतृत्व से टिकट को लेकर चर्चा करेंगे, मध्य प्रदेश लोकसभा के बचे हुए प्रत्याशियों पर आज मोहर लग सकती है। और इस पर और विस्तार से जानकारी के लिए संवाददाता आशीष मंगल सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा इस दौरे का? देखिए, मध्य प्रदेश में 15 सीटों पर अब तक बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन जो बची हुई 14 सीटें हैं उन्हीं को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। और आज भी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह से मुलाकात की और खासतौर पर भोपाल और इंदौर सीट को लेकर चर्चा हुई है। और ये बंद कमरे में संगठन महामंत्री सुभाष भगत, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के साथ शिवराज की चर्चा के बाद शिवराज सिंह चौहान दिल्ली रवाना हो चुके हैं और अब केंद्रीय नेतृत्व के सामने पूरी बात रखेंगे। और हो सकता है, इस बात की संभावना भी जताई जा रही है कि आज देर शाम तक बचे हुए 14 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लग सकती है। तो इसी को लेकर, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि तमाम सीटों पर जहां पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है वहां पर आम सहमति बनाई जाए और जहां पर विरोध के स्वर उठ रहे हैं उन्हें केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सीधे तौर पर समझाइश दी जाए। जी मनीष जी, आशीष, क्या कोई और भी बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ दिल्ली रवाना हुए? देखिए मनीष, फिलहाल जानकारी यही मिल पा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही दिल्ली रवाना हुए हैं और शाम को केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। बीजेपी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं और इसके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश में 15 साल सरकार रही है, तकरीबन 13 साल से भी ज्यादा वक्त शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं। लिया जब मध्य प्रदेश की तमाम सीटों पर शिवराज सिंह चौहान की राय केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ली जा रही है और यही वजह रही कि शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और संगठन महामंत्री सुभाष भगत से बंद कमरे में तकरीबन आधा घंटे से भी ज्यादा चर्चा की। और उसके बाद जो सहमति बनी है, जो भी चर्चा हुई है चुनाव प्रबंधन को लेकर, उसी को लेकर शिवराज सिंह चौहान दिल्ली रवाना हुए हैं। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। केंद्रीय नेतृत्व से टिकट को लेकर चर्चा करने वाले हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान।